हेलो व्यूवर्स, आई हार्डली वेलकम यू ऑन ईटिंग मूड। ईटिंग मूड में आज मेरा मूड है कुछ इंटरेस्टिंग खाने का। तो आज हम बनाने वाले हैं बेहद ही डिलीशियस रेसिपी। ये जो रेसिपी है ये है वेरी क्रिएटिव, सुपर सुपर यम्मी रेसिपी। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है बेहद ही यूनिक स्नैक। ये कभी किसी ने नहीं बनाया होगा गाइस, केवल हम बनाने वाले हैं ईटिंग मूड पर। तो चलिए बनाते हैं ये यूनिक स्नैक। इस स्नैक्स को आप एज ए यूनिक स्नैक खा सकते हैं। जी हाँ, इस रेसिपी का नाम है चिली पनीर बाइट्स। सुनने में कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं ये चिली पनीर बाइट्स। गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये जो चिली पनीर बाइट्स हम बनाने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं दो तरीके से। सो गाइज, अगर आपको किसी को खुश करना है और कोई आपके यहाँ गेस्ट आए हुए और आपको कुछ समथिंग स्पेशल बनाना है जो कि काफ़ी डिफरेंट है, तो ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। दिस इज रियली अ यूनिक स्क्रम्पशियस रेसिपी। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम मैं बता देती हूँ इंग्रेडिएंट्स जो हमें लगने वाले हैं चिली पनीर बाइट्स बनाने के लिए। जी हाँ, तो पनीर तो उसमें लगेगा ही। तो मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम पनीर और दो टमाटर लिए, इनको बारीक काट लिया है। यहाँ मैंने ले लिए हैं दो कैप्सिकम, दो प्याज जिसको बारीक काट लिया है। सारी क्वांटिटी दो दो ली है मैंने। और ये लिया है मैंने हरी मिर्च जो कि डार्क है, और ये लिया है ग्रेटेड जिंजर यानी अदरक, और ये दूसरा इंग्रेडिएंट है ये है गार्लिक। 6 से 8 मैंने यहाँ पर गार्लिक ली है, इसको बारीक काट लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी हमारी बेसिक इंग्रेडिएंट्स। अभी आगे और भी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तेल डाल देंगे और तेल को कद्दूकस करेंगे, और मैं यहाँ जीरा डाल के उसको ब्राउन सॉटे कर दूंगी। और फिर यहाँ पर डालूंगी बेसिक से इंग्रेडिएंट्स जो मैं हमेशा डालती हूँ, अदरक और लहसुन। राइट, अदरक लहसुन को अच्छे से सॉटे कर लें। जब भी थोड़ा सा सॉटे हो जाए, इसका जो अरोमा है कच्चा वो चला जाए, तो मैं डालूंगी इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इन तीनों को अच्छे से कर देंगे हम सॉटे। तो थोड़ी देर तीनों को कर लेते हैं हम सॉटे। तो ये सॉटे हो गया है। चलिए अब जो भी सॉटे हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो मैंने यहाँ पर करीब 2 बारीक कटी हुई प्याज डाल दी और इसको अच्छे से कर लिया है सॉटे। और अभी हम जो प्याज सॉटे करने वाले हैं उसको हम लाइट ब्राउन होने तक सॉटे करेंगे। इससे पहले इसमें मैं डालूंगी करीब 1/2 चम्मच नमक। नमक डालने से क्या होगा, ये पानी छोड़ने लगेगा और जल्दी पक जाएगा, सॉटे हो जाएगा। ये देखिए ब्राउन हो गया है प्याज, और हमने डाल दिया है यहाँ पर 200 ग्राम पनीर। राइट, ग्रेटेड पनीर को डाल दिया, बस 1 मिनट के लिए इसको सॉटे करना है, दैट्स इट। राइट, तो हम इसको रख देंगे साइड में। और हम एक छोटा सा बॉल लेंगे और इस बॉल में हम डाल देंगे 2 चम्मच शेजवान सॉस। राइट, तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच शेजवान सॉस ले लिया है। अभी हम गाइस बनाने वाले हैं एक सॉस का मिक्सचर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस चिली पनीर बाइट्स में। राइट, और ये ले लिया है 2 चम्मच सोया सॉस, और मैं यहाँ पर ले रही हूँ डार्क सोया सॉस 2 चम्मच। और इन दोनों सॉस को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स कंबाइन हो जाए। राइट, तो ये हमारा मिक्स हो गया है। और मैंने डाल दिया है 1 चम्मच विनेगर, और विनेगर को डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, पर काफ़ी स्क्रम्पशियस रेसिपी है, ट्राई जरूर कीजिए घर पर। और अब मैं डालूंगी यहाँ पर करीब 2 से 1.5 चम्मच टमाटो सॉस। टमाटो सॉस से थोड़ी सी स्वीटनेस आती है इसमें, तो अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा हो गया है सॉस का मिक्सचर रेडी। और ये सॉस का मिक्सचर रेडी हो गया है, अब हम इसको रख देंगे साइड में। इसको पहले से बना के रख लीजिएगा इस, क्योंकि हम आखिरी में सारे इंग्रीडियंट्स को कंबाइन करने वाले हैं। तो अब मैं ले रही हूँ एक बाउल, और उसमें मैंने ले लिया है 3 से 4 कप ग्राम फ्लावर यानी बेसन। तो यहाँ पर हमने ले लिया है बेसन। अब हम बेसन में डालने वाले हैं ढेर सारे मसाले जिससे इस चिली पनीर बाइट्स का स्वाद आएगा। यहाँ मैंने डाल दी है हल्दी, काली मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, करीब 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डाला है, 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला। अब हम डाल देंगे काला नमक, 1/2 स्पून चाट मसाला, और अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें अजवाइन जो कि हमेशा हम डालते हैं। ये ब्रेड पकौड़ा नहीं है गाइस, थोड़ा सा उससे अलग है, काफ़ी अलग है। राइट, तो ये
ये सारे मसाले डालती हैं। बस मैं इसमें डालूंगी बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट जो कि है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। दूसरी मेथी का एक अपना एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है जो चिली मेरी बाइट्स को बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो इंडियन मसाले और चाइनीज सॉस का जो कॉम्बिनेशन है गजब का आता है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी, और पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे से कंबाइन कर देंगे, अच्छे से एक बैटर बना लेंगे। जैसे आप ब्रेड पकौड़े का बैटर बनाते हैं करीब करीब वैसा ही हमें बैटर बनाना है। यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा सा बेसन डालना है, और मैंने बेसन और पानी और डालकर ये बैटर तैयार कर दिया है। तो ये है हमारा बैटर वन, राइट। इसका मतलब मैं एक और बैटर बनाने वाली हूँ, ये हमारा बैटर वन है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेकंड बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 कप मैदा ले लिया है। इसमें डाल दिया है आधा चम्मच नमक, और करीब 1.5 कप इसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप घर में चावल का आटा होगा, चावल है तो चावल का आटा डाल सकते हैं। और अब डाल देंगे 2 चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, और इसमें डाल देंगे पानी और नमक, और इसका एक अच्छा सा बना देंगे बैटर, राइट। जिस तरह से हम पकौड़े बनाते हैं, लास्ट टाइम हमने बनाया था ड्राई वेज कोफ्ते, उसमें हमने जिस तरह से बैटर बनाया था मैदे का, उसी तरह का उसी कंसिस्टेंसी का ही हम बैटर बना लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको बना लूँगी बैटर। तो ये हमारा बन जाएगा परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर। थोड़ा सा पानी डालेगा इसमें मेरी ख्याल से। तो ये हमारा बन गया है बैटर 2, राइट गाइस। काफ़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी है ये। तो अभी हम पहले से तैयारी करते जा रहे हैं। तो ये हो गया है हमारा बैटर 2 रेडी। सो गाइस लेट्स मूव। और मैंने भी डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। तो पहला जो बैटर था उसमें डाली थी कसूरी मेथी, और इस वाले बैटर में हमें डाला है थोड़ा सा कटा हुआ बारीक हरा धनिया। तो बैटर 1 रेडी हो गया है, बैटर 2 रेडी हो गया है। और अब मैंने यहाँ पर ले ली है ब्रेड के स्लाइसेस, राइट। और ब्रेड के स्लाइसेस पर जो मैंने सॉस का मिक्सचर बनाया था उसको मैंने कर दिया है अच्छे से स्प्रेड। तो इस सॉस के मिक्सचर को मैं ब्रेड्स पर अच्छे से स्प्रेड कर दूँ। तो देख सकते हैं यूनिफॉर्मली मैंने ये सॉस के मिक्सचर को इस पर स्प्रेड कर दिया है। अगर आपके पास बेसन मैदा नहीं है तो आप बेसन से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ 2 तरीके से। तो जो भी चीज़ अवेलेबल है उससे आप इसको बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पर जो पनीर का एक मसाला बनाया था, वेरी सिंपल मसाला था वो, उस मसाले को मैं इस पर स्प्रेड कर दूंगी इवनली। तो उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो ये हमने स्प्रेड कर दिया है पनीर का मिक्सचर। इसी तरह से दूसरे वाले ब्रेड पे भी इस तरह से पनीर मिक्सचर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, बट बनने के बाद जब आप इसे खाएंगे तो इट्स रियली रियली टेस्टी। चलिए तो अब मैंने जो बारीक कटे हुए कैप्सिकम लिए थे अब वो यूज होने वाले हैं, क्योंकि ये चिली पनीर बाइट्स। तो इस पर मैंने स्प्रेड कर दिए हैं ये कैप्सिकम के टुकड़े, छोटे छोटे बारीक कटे हुए टुकड़े हैं, इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और आप देख सकते हैं कितना कितना सुंदर लग रहा है ये। और अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये जो सेकंड ब्रेड की स्लाइस ली है उसको से कवर कर देंगे। जो मैं सेकंड ब्रेड की स्लाइस से कवर कर रही हूँ उस पर मैं सॉस का मिक्सचर स्प्रेड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने सॉस पहले से एक ब्रेड की स्लाइस पे स्प्रेड कर दिया है तो दूसरे को मैंने करी। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और स्प्रेड कर सकते हैं सेकेंड ब्रेड स्लाइस पर भी। थोड़ा सा मैंने ले लिया है टोमेटो, बारीक कटा हुआ टोमेटो, ये ऑप्शनल है। तो अब इसको कर देंगे हम कवर। तो मैंने कवर कर दिया है, आप चाहें तो उस पर और सॉस का मिक्सचर लगा सकते हैं। तो ये हमारा चिली पनीर का जो स्टफ है वो तैयार हो गया है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से बाकी जो मेरे ब्रेड के स्लाइस हैं उन पर भी मैं इस तरह से कोट कर दूंगी मिक्सचर को। मैं यहाँ पर ब्रेड स्लाइस ज़्यादा ले लूँ, कम से कम 12 से लेकर 16 मैंने ब्रेड स्लाइस लिए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर जो चिली पनीर बाइट्स हैं वो 2 तरह से बना रही हूँ, इसलिए ब्रेड स्लाइस ज़्यादा लगेंगे। अगर आप चाहे तो एक तरह से बना सकते हैं जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो उसके बेस पर, राइट। तो ये देख सकते देखिए कितना साइड से मैं आपको बता रही हूँ, कितना सुंदर दिख रहा है। तो चलिए बाकी और बना लेते हैं। तो ये भी देखिए मैंने स्टफिंग फिल कर ली है, जैसे मैंने भी बनाया था उसी तरह से मैंने बाकी ब्रेड्स में भी स्टफिंग फिल कर दी, और कैप्सिकम और टमाटो की टॉपिंग करी है। अगर आपको अनियन की टॉपिंग डालनी है तो उस पर डाल सकते हैं, मतलब बारीक कटे हुए अनियंस को भी आप इस पर स्प्रेड कर सकते हैं। देखने में ये बिल्कुल सैंडविच जैसा लग रहा है, बट जब आप बनाएंगे लास्ट में तो आपको पता चलेगा कि ये जो रेसिपी है बिल्कुल अलग अलग तरह की रेसिपी है। तो ये हमारे जो ब्रेड स्लाइस हैं, जो हमारी स्टफिंग है वो बन गई है, तैयार हो गई है। तो ब्रेड में हमने स्टफिंग को फिल कर दिया है, तो लगभग हमारा बन चुका है ये।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से, ये देख सकते हैं आप। चलिए अब बारी है इस ब्रेड स्लाइस को बैटर में डिप करने की। तो मैंने यहाँ पर दो बैटर बनाए थे शुरू में, तो जो पहला बैटर था वो बेसन का था। तो जैसा मैंने आपसे बोल चुकी हूँ कि अगर आपके घर में मैदा नहीं है, मैदा नहीं है, तो आप बेसन से ही कोट कर सकते हैं। इसका स्वाद ब्रेड पकौड़ा जैसा तो नहीं है, काफी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो सॉस का मिक्सचर यूज कर रही हूँ वो उसको देगा एक यूनिक फ्लेवर, राइट। चलिए तो इसको कर लेते हैं डिप अच्छे से, और अच्छे से कोट कर लिया है। अब कोट करने के बाद मैंने इसको कर दिया है फ्राई, और इसको हम जब तक फ्राई करेंगे तब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो देख सकते हैं इसको मैं कर देती हूँ फ्लिप, क्योंकि एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है। देख सकते हैं ये हो गया है गोल्डन ब्राउन, और इसको निकाल दीजिए, कंप्लीट कलर आ गया है इसमें, दैट्स इट। अब जो सेकेंड स्टफिंग तैयार की है मैंने, उसको मैं सेकेंड बैटर में कोट कर दूंगी। ध्यान से कोट करिए ताकि जो अंदर की स्टफिंग है वो बाहर ना निकले, उसका ध्यान देना जरूरी है। और बस इसको मैं डीप फ्राई कर दूंगी। अगर आप बहुत ही फिटनेस फ्रीक हैं, आप ऑयल ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो क्या कर सकते हैं, आप इसको डीप फ्राई नहीं करिए, सिंपल जो मैंने ब्रेड के स्लाइस बनाए थे उसको एज अ सैंडविच भी खा सकते हैं। उसको आप सिंपल सॉस को मिक्सचर को स्प्रेड कर दें, स्टफिंग फिल कर दें, और उसको एज अ सैंडविच भी खा सकते हैं आप। तो भी थोड़ा सा डिफरेंट उसमें फ्लेवर होता है, और नहीं तो आप इसको ऑयल में फ्राई करके खाइए, कभी कभी खा सकते हैं, राइट। तो चलिए ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है सेकेंड वाला चिली पनीर बाइट, राइट। तो चलिए अब बारी है इसकी सर्विंग की। चलिए इसको सर्व करते हैं। इसको मैं कर रही हूँ कट, तो इसको हम कट करेंगे। और जब भी आप इसको सर्व करें, जब भी बनाएं, तो उसको ठंडा बिल्कुल ना खाएं, गर्म गर्म खाने में बेहद लजीज लगता है। तो कोई किसी पार्टी हो, या बर्थडे पार्टी हो, या कोई स्पेशल गेस्ट घर में आने वाला हो और कुछ खिलाना है समथिंग डिफरेंट, तो ये चिली पनीर बाइट्स जरूर ट्राई कीजिए गाइस। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, एंड ट्राई दिस रेसिपी एट होम। सो गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से घर में बनाइए। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।